बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने इनकी नंबर्स की एडिशन वगैरह तीन टेक्स्ट बुक्स की मदद से की थी। अगर आप लोगों को याद हो तो इनके बिहाइंड हम लोगों ने जो कोड किया था, सपोज वन के बिहाइंड जो था कोड, वो टेक्स्ट बुक्स वन डॉट टेक्स इज इक्वल टू टेक्स्ट बुक्स वन डॉट टेक्स प्लस वन साथ कंकेटिनेट कर दिया था, जोड़ दिया था। सिमिलरली टू थ्री फोर फाइव सिक्स जो भी हम लोगों ने इस फॉर्म के ऊपर रखे हुए हैं उनके बिहाइंड इसी तरह से हम लोग कोडिंग कर सकते हैं डॉट तक। अब सपोज करें कि हम लोगों ने जब प्लस के बटन के अंदर काम किया था तो हमने तीन टेक्स्ट बॉक्स लिए थे, ठीक है? ऐसे ही है, हमने प्लस के बटन के अंदर तीन टेक्स्ट बॉक्स लिए थे। बट मैं इन तीन टेक्स्ट बॉक्स को यूज नहीं करूंगा, मैं इस प्लस के बटन को भी साइड पे रख लेता हूँ। और यहाँ से मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे राइट साइड के ऊपर प्रॉपर्टीज में इंफॉर्मेशन दे रहा है टेक्स्ट बॉक्स वन के नाम से। सिमिलरली यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स टू और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स थ्री। मुझे ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए क्योंकि जो हमारे पास कैलकुलेटर होता है उस कैलकुलेटर के अंदर आपके पास एक ही टेक्स्ट बॉक्स होता है, ठीक है? अब उसके लिए मैं दोबारा से इस प्लस के बटन को, इसके ऊपर मैं प्लस लिख लेता हूँ, प्लस के बटन की दोबारा से कोडिंग करूंगा, या माइनस के बटन की, या मल्टीप्लिकेशन के बटन की। सो यहाँ पे आप अज्यूम कर लें कि मैं यहाँ पे डिवीजन कर देता हूँ, ठीक है? सो अब पहले आप लोगों ने थोड़ा सा गौर से समझना है कि हम लोग प्रोसेसिंग किस तरह से करते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग ये चीज़ समझ लेते हैं तो फिर उसके बाद चीज़ों को मैनिपुलेट करने में आसानी होगी। हम लोग जो कैलकुलेटर यूज़ करते वक्त जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप लिख लें तो उसके बाद यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाएगी। मस्टन देखें, जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग क्या काम करते थे, कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन करें तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज लिखते थे। सपोज वन वन टू टू वैल्यू लिखती, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लस का बटन प्रेस करते हैं, ठीक है? प्लस का बटन जैसे प्रेस करते थे तो ये टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाता था और हम लोग दोबारा से यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू एंटर करते थे। सपोज वन टू एंटर कर दी, ठीक है? उसके बाद हम लोग इक्वल का बटन प्रेस करते थे और उन दोनों को वो क्या कर देता था, ऐड कर देता था। यही प्रोसेस करते थे, बड़ा सिंपल सी जो हम लोग प्रोसेसिंग करते थे। सिमिलरली हम लोग वैल्यूज को एंटर करते थे, मार डिवीजन का अगर सिंबल प्रेस करते थे फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू, और इक्वल प्रेस करते थे तो वो उन दो वैल्यूज को क्या करता था, ऐड कर देता था, ठीक है? ऐड या डिवाइड जो भी आपने बटन प्रेस किया होता था। नाउ अब देखिए, मैंने इसी इसको थोड़ा सा मजीद उन चीज़ों को ओपन करता हूँ जो मैंने अभी वर्ड्स बोले हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू लिखूँ, तो प्लस का बटन दबाऊँ तो ये वाली वैल्यू जो है वो उठ के किसी वेरिएबल ए के पास चली जाए और साथ ही ये टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाए, खाली हो जाए। उसके बाद मैं दूसरी वैल्यू यहाँ पे एंटर करूँ और उसके बाद मैं इक्वल का बटन प्रेस करूँ तो वो क्या करे, जो पहली मरतबा वैल्यू एंटर की गई थी और जो दूसरी मरतबा वैल्यू एंटर की गई उसको बी में स्टोर करवा के दोनों के ऊपर वो वाला ऑपरेशन अप्लाई कर दिए जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? जिससे रेलिवेंट आपने बटन प्रेस किया था, ठीक है? ये मैं दोबारा फिर एलेबोरेट कर देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करता हूँ टू वन, उसके बाद मैं प्लस का बटन प्रेस करता हूँ, प्लस का बटन जैसे ही प्रेस हो तो वो क्या काम करे, इस 21 को उठा के ए में ले जाए और टेक्स्ट बॉक्स को खाली कर दे, ठीक है? टेक्स्ट बॉक्स को क्या करें, खाली कर दे। फिर उसके बाद मैं दोबारा से वैल्यू एंटर करूँ, सपोज 11 एंटर की है तो मैं इक्वल का बटन प्रेस करूँ तो इक्वल के बटन को पता हो कि ए के पास पहले वैल्यू थी, अभी जो वैल्यू 11 एंटर की है वो बी के पास चली जाए, और इक्वल के बटन को प्रेस हो कि मुझसे पहले जो बटन प्रेस हुआ था वो प्लस का बटन था, ठीक है? ताकि वो उसके ऊपर प्लस का ऑपरेशन अप्लाई कर दे। अगर उससे पहले डिवीजन का प्रेस हुआ था तो उसे पता होना चाहिए कि मुझसे पहले डिवीजन का बटन प्रेस हुआ था। सो इस तरह से हम लोग वो क्या करेगा, उन दो वेरिएबल्स को डिवाइड करवा देगा, ठीक है? ये बात समझ में आ गई। अब इसी चीज़ को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। सो वन बाई वन हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। सो आई थिंक मैं ये वीडियो विंडो शेयर नहीं कर पाया, मुझे वर्डिंग दोबारा से बोलनी पड़ेगी ऑनलाइन के लिए। सो बच्चे, जैसे ही हम लोग इस प्रोग्राम को, मैं फिर से आप लोगों के लिए, चाहे आसानी है, दोबारा से रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जैसे ही वैल्यू वन सपोज करें, टू एंटर करें, हम लोग एज अ लेमैन इसकी लैंग्वेज को डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। जैसे सपोज करें मैं 12 एंटर करूं, उसके बाद मैं प्लस का बटन दबाऊं, तो प्लस का बटन जैसे ही दबाऊं तो ये वैल्यू जो है वो 12 उठ के किसी वेरिएबल ए के पास चली जाए
और वो टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर दें, खाली कर दें, और साथ ही किसी वेरिएबल की वैल्यू हम लोग असाइन करवा दें। अगर प्लस का बटन प्रेस हो रहा है तो उस वैल्यू की, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाए, प्लस हो जाए, ताकि इक्वल के बटन के अंदर आके हम लोग उस वेरिएबल की वैल्यू की बुनियाद के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर सकें। कि उससे पहले जो बटन था वो प्लस का प्रेस हुआ था, डिवीजन का हुआ था, कौन सा बटन प्रेस हुआ था। सो जैसे ही हम लोग इक्वल के बटन के अंदर आएंगे तो जो हमने दूसरी वैल्यू लिखी होगी वो बी के अंदर चली जाएगी, और उसके बाद वो क्या करेगा, दोनों को अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ऑपरेशन जो आपने यहाँ पे बटन के वक्त जिसको प्रीवियसली बटन को क्लिक किया होगा उसके मुताबिक वो क्या करेगा, क्लिक कर देगा। सो अगेन जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू फर्स्ट वैल्यू लिखूँ, प्लस का बटन प्रेस करूँ, तो तीन काम होने चाहिए। पहला काम क्या है, वो ये वैल्यू उठा के वेरिएबल ए में स्टोर करवा दे, टेक्स्ट बॉक्स को खाली कर दे, और तीसरे में ऑपरेशन की वैल्यू को क्या कर दे, प्लस कर दे, ठीक है। और उसके बाद मैं दोबारा वैल्यू यहाँ पे एंटर करूँ तो इक्वल का बटन प्रेस करूँ, तो इक्वल के बटन में वो क्या करे, ये वैल्यू उठा के बी में स्टोर करवा दे, और उसके बाद ऑपरेशन की वैल्यू के मुताबिक, ऑपरेशन की वैल्यू अगर प्लस थी तो वो उनको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, अगर डिवीजन थी तो उसको क्या कर देगा, डिवाइड करवा देगा, और उसका आंसर वापस कहाँ पे शो करवा देगा, इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो करवा देगा। सो इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट स्टेप के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। सो अगेन प्लस के बटन के अंदर क्या काम होने हैं, तीन काम होने हैं, फिर से समझ लें कि पहले वो क्या करें, वैल्यू को उठा के इंटीजर ए इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स और टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट से वैल्यू उठा के किस में रखवा दें, ए में रखवा दें। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर दें, खाली कर दें। टेक्स्ट बॉक्स को खाली करने का तरीकाकार क्या है कि उसके पास खाली स्ट्रिंग रखवा दें, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाएगा, खाली। यानी कि पहले स्टेप में हमने उसकी वैल्यू जो भी एंटर की थी उसको किस में रखवा दिया, ए में। दूसरे स्टेप में टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर दिया, खाली कर दिया। अब उसके बाद हमने ऑपरेशन की वैल्यू को एडजस्ट करना है कि वो प्लस होगी माइनस होगी, तो ये प्लस माइनस वगैरह सिंबल्स हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग का कीवर्ड यूज कर लेते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशन का नाम दे देते हैं। ऑपरेशन इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस, और ऑपरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये तीनों काम हो गए। अब देखें, सपोज करें मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं, एग्जीक्यूट करूंगा तो जैसे मैं यहां पे वैल्यू लिखूंगा 1 2 और जित प्लस का बटन प्रेस करूंगा तो देखें उसने क्या किया होगा, पहली लाइन के अंदर 12 को ए में ले गया होगा, फिर उसके बाद उस टेक्स्ट बॉक्स को खाली कर दिया और ऑपरेशन की वैल्यू क्या कर दी होगी, प्लस कर दी होगी, ठीक है, ऐसे ही है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या करूंगा, इक्वल दोबारा वैल्यू एंटर करनी है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू दोबारा फिर एंटर करूंगा, सपोज 2 2 एंटर करवा दिया तो इक्वल का बटन प्रेस करूंगा तो ये 2 2 किस में जाना चाहिए, बी में जाना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ऑपरेशन वो क्या करे, एड करवा दे। सो इन स्टेप्स को मैंने अब फिर वहां पे जाके एड्रेस करना है। सो यहाँ पे आके मैं अब इक्वल के बटन में आऊंगा, इक्वल के बटन के अंदर आके यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटीजर बी इज इक्वल टू इंटीजर बी इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स और टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स से ही वैल्यू उठा के किस में रखवा दें, बी में रखवा दें। नाउ उसको मैं कहता हूं कि अगर ऑपरेशन की जो वैल्यू है, अब यहाँ पे ऑपरेशन नहीं आ रहा जबकि आपने यहाँ पे डिक्लेयर करवाया हुआ है, उसकी वजह क्या है, नहीं ये जो ऑपरेशन है वो डिक्लेयर होया हुआ है इस इवेंट हैंडलर के अंदर, उसकी जो विसिनिटी है वो इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के अंदर है,
इससे इस ब्रैकेट के बाहर नो वन नोज के उसके अंदर क्या डिक्लेयर होया हुआ है, ठीक है, नो वन नोज के उसके अंदर वो क्या डिक्लेयर होया हुआ है। सो अगर सपोज करें मैं यहाँ पे अगेन सपोज करें ये काम करता हूँ, इंटीजर c इज इक्वल टू ए जैसे टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ए को वो लिस्ट में शो नहीं करवा रहा, यानी कि ए को भी वो यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि ए का स्कोप क्या है, वो इसी के अंदर है। ए का जो स्कोप है वो कहाँ पे है, इसी के अंदर है। सो अगर हम लोग ए और ऑपरेशन को यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं ताकि हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें और ए की वैल्यू में ऐड करवा सकें या डिवाइड करवा सकें, तो देन ए को भी हमें यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसका एक्सेस राइट जो है वो हमें इंक्रीज करना पड़ेंगे। अगर उनका स्कोप पहले अगर छोटा है तो स्कोप को उनको क्या करना पड़ेगा, बड़े स्कोप पे लेके आना पड़ेगा। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये चीजें थोड़ी समझ लें। देखें ये हम लोगों ने बटन्स यूज किए हुए हैं, मैं जस्ट कोड को मिनिमाइज कर रहा हूं ताकि इस कंसेप्ट को फर्दर समझाया जा सके। सो बच्चे देखें ये जो ए है उसका स्कोप यहाँ पे है, अगर इसको हम लोग क्लास के स्कोप में ले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे अगर डिक्लेयर करवा दें तो उसका स्कोप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि अगर सपोज करें मैं यहाँ पे डिक्लेयर करवाता हूँ ए को मां बी को मां सी, सपोज करें यहाँ पे डिक्लेयर करवा देता हूँ, तो ये ए बी सी इन तमाम बटन्स के अंदर भी एक्सेसिबल है, और यहाँ पे आप अगर कोई अपनी मर्जी का फंक्शन भी बनाते हैं तो उसमें भी एक्सेसिबल है। यानी कि सो जैसे ही हम लोग इन वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर करवाएंगे तो वो विद इन क्लास वेरिएबल हैं, वो इन तमाम फंक्शंस के अंदर क्या हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं। अब आप इनको फ्लोट करवा लें, आप इनको जो भी करवाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू कि आपको उनको किस तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं। सो फ्लोट करवा लेंगे तो आप उनके ऊपर जो है ना डिवीजन के ऑपरेशंस भी अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है, फ्लोट करवा लें या डबल करवा लें। सो इसका मतलब है यहाँ से जाके आपको उनकी जो टाइप है वो चेंज करना पड़ेगी, यानी कि और यहाँ से उसकी डबल डिक्लेरेशन को ख़त्म करना पड़ेगा। अब सिमिलरली ये जो स्ट्रिंग ऑपरेशन है इसको भी हम लोग वहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके हम लोग इस वेरिएबल को भी डिक्लेयर करवा देंगे। एक छोटी सी एरर आएगी, बट आई वांट कि आप लोगों को उसकी समझ आए। वो क्या एरर है वो थोड़ी देर तक जैसे ही मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ से जाके मैं उसकी डिक्लेरेशन खत्म कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज वो क्या करेगा, क्लास के अंदर उनको सेपरेट मेमोरी मिलेगी और बटन के अंदर जब जाएंगे तो उनको सेपरेट मेमोरी मिलेगी। इस तरह से क्या हुआ है कि हमने क्लास के अंदर ही उनको सेम मेमोरी दे दी है, जो भी बटन उसकी वैल्यू को चेंज करेगा वो उसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर जाएगा। अभी उनकी मेमोरी क्या है, एक ही है, और जब इसके अंदर जो भी बटन या जो भी फंक्शन इनकी वैल्यूज को चेंज करेगा तो उसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर जाके करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी उसको डिक्लेयर करवा देते हैं और यहाँ पे भी डिक्लेयर करवा देते हैं तो यहाँ पे बड़े तो भैया की मेमोरी लोकेशन और पाएगा, ठीक है। सो लेट मी चेंज द इंटरनेट। सो अब मैं जब प्रोग्राम को जब नीचे जाऊंगा नीचे वाले बटन के अंदर यहाँ पे जाके, अब देखें जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा बी को भी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फ्लोट, अब मैंने ऊपर डिक्लेयर करवाया हुआ है सो यहाँ पे डिक्लेयर करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको भी वो क्या करेगा नई मेमोरी लोकेशन दे देगा। सो यहाँ पे आके सी इज इक्वल टू, सी को भी मैंने ऊपर डिक्लेयर करवाया हुआ है सी इज इक्वल टू, अब देखिए मैं जैसे ही ए प्रेस करूंगा तो ए को वो लिस्ट में शो करवा रहा है, क्योंकि इसका स्कोप मैंने क्या करवा दिया था, बढ़ा दिया था। C इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब उसके बाद इस C की वैल्यू को कहाँ पे लेके जाना है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। सो टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू C आ जाएगा डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है।
अब उसके बाद मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, वन टू, फिर उसके बाद प्लस, ये वन टू कहां पर क्या होगा, ए के अंदर ऑपरेशन की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, प्लस हो चुकी होगी। और अब मैं दोबारा जब वैल्यू एंटर करूंगा सपोज 21, उसके बाद मैं इक्वल का बटन प्रेस करूंगा, तो देन वो कहां भी करेगा, बी में वैल्यू स्टोर करवा के जो पहले ए में, उन दोनों को क्या करेगा, ऐड करवा देगा। सो 12 प्लस 21 क्या हो गया, 33 हो गया। नाउ अब यहां पे हो सकता था मैं ये डिवीजन का बटन प्रेस कर देता, तो वो इक्वल के बटन के अंदर कैसे डिसाइड करता कि जो है ना प्लस प्रेस हुआ था या डिवीजन का बटन प्रेस हुआ था, ठीक है, वो ऑपरेशन की वैल्यू से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन की वैल्यू को चेंज करेंगे। सो ऑपरेशन प्लस था, सो यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, इफ की कंडीशन लगा लेंगे कि अगर जो ऑपरेशन की वैल्यू है डबल इक्वल वो प्लस है, तो देन उसको वो क्या करें, ऐड करवा दें, अदरवाइज वो क्या काम करें, डिवीजन करवा दें, ठीक है। अब उसके बाद मैं डिवीजन के बटन में जाऊंगा, सो यहां पे जाके मैं अगेन वही काम करूंगा कि ए इज इक्वल टू, दोबारा डिवीजन का बटन है तो ए इसमें दोबारा मैं ए किसके इक्वल करवा दूंगा, फ्लोट डॉट पार्स, और उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, और इस तरह से दोबारा से फिर टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट क्या हो जाएगा, खाली, ठीक है। और जो ऑपरेशन है दैट विल बी इक्वल टू डिवीजन, ठीक हो गया। अब उसके बाद देखिए, मैं जैसे ही इस बटन को प्रेस करूंगा, अब मैं सपोज करें 11 एंटर करता हूं, अब डिवीजन का बटन प्रेस करूंगा तो यहां पे जाके दोबारा दूसरी वैल्यू एंटर करूंगा, सपोज 22 कर दिया, और इक्वल का बटन प्रेस करूंगा तो स्टिल उनको क्या करवा रहा है, लेकिन वो आंसर जीरो दे रहा है, उसकी क्या वजह है। इक्वल के बटन के अंदर आके हमने चेंज नहीं किया, और अगर आप लोग गौर करें तो जब हम लोग चले इस तरह से भी देखे, डिवीजन का बटन प्रेस करने के बाद इक्वल प्रेस किया तो उसके पास बी की वैल्यू नहीं आ रही, सो वो उन दोनों को ऐड नहीं करवा रहा, वो इस कंडीशन के अंदर नहीं जा रहा, ये वाली जो कंडीशन थी, क्योंकि ऑपरेशन की वैल्यू क्या थी, प्लस, सॉरी ऑपरेशन की वैल्यू डिवीजन थी, और यहाँ पे कंडीशन के अंदर आपने क्या काम किया हुआ था, सिर्फ कंडीशन अप्लाई की हुई थी, सो इस वजह से वो इस कंडीशन के अंदर आता नहीं है, और कंडीशन के अंदर आता नहीं है तो सी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो पड़ी होती है, सो इस वजह से जीरो शो करवा देता है, ठीक है। सो अब सपोज करें कि मैं यहाँ पे आके उसको कह देता हूँ कि नई कंडीशन वो चेक कर ले कि अगर ऑपरेशन की वैल्यू जो है वो इक्वल है डिवीजन के। अब एक चीज ध्यान में रखें कि आप यहाँ पे स्पेस वगैरह इंसर्ट नहीं करवा सकते लेफ्ट राइट पे, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर प्लस के बटन की अगर यहाँ पे करवा रहे हैं तो वहां पे जहाँ पे ऑपरेशन की वैल्यू सेट कर रहे हैं वहां पे भी आपको वही रखना पड़ेगी। सो यहाँ पे आके अगेन कंडीशन के अंदर आप आके क्या करें, सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। तो अब देखें, सपोज करें आप जो भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे नाउ ये काम करेगा, डिवाइड टू और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 5.5 आंसर आ गया। सपोज करें ये पहली वैल्यू है, मैं प्लस करूंगा तो उसको क्या करूं, 3 से डिवाइड करवा, ऐड करवा दूं, इक्वल प्रेस करूंगा तो 8.5 आ गया, ठीक है। सो अब ये क्या होना शुरू हो गए हैं, जस्ट लाइक कैलकुलेटर काम करना शुरू हो गए हैं। सो अब ये चेंजिंग कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो अब अगर ये चेंजिंग कर सकते हैं तो नेक्स्ट साइन कॉस हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया हुआ था। अब सपोज करें कि आपने यहाँ पे एक बटन लगाना है जो क्या करे, इस स्क्रीन को साफ कर दें, ठीक है, स्क्रीन को क्या करे, साफ कर दे, तो उसके लिए आप लोग क्या काम करेंगे, ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे एक बटन लगा दें, ठीक है, इसको क्या कर दें, क्लियर स्क्रीन लिखा होता है इसके ऊपर, सो सी के इसके बिहाइंड जो भी टेक्स्ट बॉक्स लिखा हो उसको क्या कर दें, एम्प्टी कर दें, ठीक है। सिमिलरली बैक स्पेस की कोडिंग आप लोग खुद से इंटरनेट से सर्च करेंगे, सिंपल सा है कि वो जैसे ही आपने सपोज करें यहाँ पे वैल्यू लिखें,
इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, तो उसके बाद आप यहाँ पे एक्सपोज करें जो वैल्यू लिखेंगे 1122 सपोज एंटर किया हुआ है, तो आप बटन बैक स्पेस का प्रेस करें तो सिर्फ ये वन रिमूव हो, फिर उसके बाद अगला वन रिमूव हो, बाकी टेक्स्ट बॉक्स एज इट इज रहे, ठीक है। तो ये आप लोग नेट से सर्च कर सकते हैं। सो इसके अलावा बाकी पावर वाले फंक्शन रह गए, सो एक मैं करवा देता हूँ, बाकी आप लोग उसे सिमिलर जो भी होंगे वो कर सकते हैं। जैसे ये वाला सिंबल जो है कैलकुलेटर के ऊपर इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा होता है x raise to power by, ठीक है, या इसको इस तरह से लिखा होता है कंप्यूटर के ऊपर। तो मैं सिर्फ सिंबल ये वाला लिखूंगा जिसका मतलब है कि वो पावर होगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आके ठीक है, इसका मतलब है या आप यहाँ पे ये लिख लें कि x raise to power y, ठीक है। सो अब मैं जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं, मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करूं 12, उसके बाद ये बटन प्रेस करूं तो 12 उठ के कहाँ पे चला जाए, x में चला जाए, ये बेस बन जाए, फिर उसके बाद मैं दोबारा ये खाली हो जाए और यहाँ पे दोबारा वैल्यू एंटर करूं तो वो बी में जाऊं तो वो कि उसको क्या कर दे, उसकी जो सेकंड वैल्यू एंटर की वो उसकी पावर ले ले, ठीक है। सो अगर हम लोग उसी तरह से एग्जैक्टली चलें इस एक्स वाई के अंदर, सो पहली वैल्यू उठा के कहां पे रख ले, टेक्स्ट बॉक्स 1.txt, और साथ टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर दें, खाली कर दें, और ऑपरेशन की वैल्यू को क्या करवा दें, सपोज ये वाली पावर आप यूज कर लें, ठीक है, ठीक हो गया। अब हमने इक्वल के बटन के अंदर आना है, तो ऊपर नीचे ढूंढने की बजाय आप यहां पे आए, इक्वल का बटन प्रेस करें तो यहां पे आ जाएगा, इसके अंदर बस इफ एल्स बढ़ती जाएंगी, आप शुरू में लगा लें, एंड पे लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इफ ऑपरेशन जो है दैट इज इक्वल टू पावर, तो देन वो क्या कर ले, सी इज इक्वल टू मैथ डॉट पावर, और उसमें क्या लिख दे, पहले ए कोमा बी, ठीक है। अब देखिए जो मैथ ये जो फंक्शन है, अगर आप लोग वो नीचे एरर दे रहा है, आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप डबल टू फ्लोट, यानी कि राइट साइड पे डबल है और सी आपके पास क्या है, फ्लोट है। तो जब इस चीज को हम लोग किससे हैंडल कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग से हैंडल कर सकते हैं। सो यहाँ पे आके आप इसको जबरदस्ती कन्वर्ट कर दें किसमें, फ्लोट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज टाइप कास्टिंग कहलाएगी। इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, जो डबल है वो 8 बाइट लेता है, 8 बाइट लेता है, ठीक है, यानी उसको जो मेमोरी लोकेशन मिलती होती है वो 8 बाइट की मिलती होती है, ठीक है। जबकि जो आपके पास फ्लोट है उसको कितनी मिली होती है, 4 बाइट मिली होती है। तो लेकिन इसमें भी आपके पास डेसिमल वैल्यू होती है, इसमें भी आपके पास डेसिमल वैल्यू होती है, ठीक है, ऐसी है ना। अब इसमें 8 बाइट का मतलब क्या है, 8 क्रॉस, उसमें आपके पास 64 बिट्स होंगी, इसमें कितनी होंगी 64 बिट्स, और इसमें कितनी होंगी 32 बिट्स। अब वो खुद से इस वजह से नहीं करता कि अगर आपकी सपोज करें यहां पे ऐसी वैल्यू आ रही है जो कि एट सपोज करें 40 बिट्स में पूरी होती है, 40 बिट्स को जब वो 32 बिट्स में स्टोर करवाएगा तो वो इंफॉर्मेशन लास्ट करेगा, पहले 32 बिट्स को स्टोर करवा देगा, रिमेनिंग होंगे वो सपोज करें 8 बिट्स, उनकी वैल्यू जब यहां पे नहीं लेके आएगा तो जब दोबारा वहां से रीड करने जाएगा तो वो आंसर नहीं मिलेगा जो यहां पे पड़ा होगा।
इस वजह से वो आपको खुद कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू इतनी छोटी है तो चार बार कोई भी आ सकती है, देन आप खुद से उसको क्या कर लें, फ्लोर में कन्वर्ट करवा लें। तो इस तरह से हमें क्योंकि पता है कि हमारी वैल्यू छोटी है तो उसको हम लोग करवा सकते हैं, तो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट खुद से नहीं करता। वो कहता है अगर मैं करूँगा तो हो सकता है आपकी वैल्यू जो है वो इतनी बड़ी हो कि आप वो बाद में आपको प्रॉब्लमेटिक हो कि आपका आंसर ठीक नहीं आ रहा। अगर मैं अगर आपको खुद लगता है कि आपकी वैल्यू अगर फ्लोर में भी पूरी आ सकती है तो आप उसको क्या करें, टाइप कास्ट कर लें। ठीक है, ये टाइप कास्ट का सिनेरियो समझ में आ गया कि क्यों हमें करना पड़ता है। ठीक है, सो अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, कि नहीं समझ आई? सो दोबारा मैं प्रोग्राम के अंदर जैसे ही इसको जाके एग्जीक्यूट करूंगा, सपोज 12, ये वैल्यू उठ के किस में गई होगी, ए के अंदर। सपोज मैं फिर 12 करता हूँ, इक्वल का बटन प्रेस करूंगा तो वो क्या करेगा, 12 रेज्ड टू पावर 12 कितना होता है, हैं? I was expecting कि यही आंसर आएगा, 12 raised to power 2 144 होता है। ठीक है, सो हम लोग दोबारा से फिर सी के लीजिए हम लोग इसको खाली करवा लेते हैं, 12 raised to power 2 करेंगे तो देन आपके पास आंसर क्या आएगा। ठीक है, सो ये बात समझ में आ गई। अब मैंने प्रोबेबली जितने भी फंक्शंस थे वो सारे इंप्लीमेंट करवा दिए हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाला आप mat.exp से कर सकते हैं, लॉग नेचुरल लॉग वो तमाम उसके अंदर हैं, आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बस जस्ट सिनेरियो जेन में रखना है कि आपको अगर नहीं भी समझ आती तो सामने साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन कर लें, जिस तरह से आपको स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं इधर भी आप वही स्टेप्स इम्प्लीमेंट कर लें, लेकिन जल्दी जल्दी करेंगे ना। जैसे देखिए मैंने आपको पहले स्टेप में समझाया कि आप वैल्यू एंटर करते हैं फिर प्लस का बटन प्रेस करेंगे, तो प्लस के बटन के बिहाइंड क्या होना चाहिए, तीन ये स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो उसमें वो वैल्यू पहले उठा के बी में रखे, फिर कंडीशन लगाए और ऑपरेशन की वैल्यू की बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर ऑपरेशन लगा दे दोनों वैल्यूज के ऊपर। तो आप इन वर्डिंग को जेन में रखते हुए आप जो भी बटन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बात समझ में आ गई। अब आप लोगों के पास सेकेंड असाइनमेंट है फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड फॉर यू पीपल टू, कि आप लोगों ने कंप्लीट साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना है नेक्स्ट लैब तक। सो अभी शुरू हो जाएं, मैं इसकी कोडिंग आप लोगों के सामने शेयर करवा देता हूँ, वीडियो में भी होगी। बच्चे एक चीज ध्यान में रखें कि पहले आप लोग कोशिश करें कि साथ साथ प्रोग्राम बनाते जाएं। ठीक है, मैं आप लोगों को श्योरिटी देता हूं कि मेरी लैब या मेरी थ्योरी की क्लास के अंदर वही बंदा परफॉर्म कर पाता है जिसने मैक्सिमम क्लासेस और साथ साथ काम किया होता है। ठीक है, उसी के ही मैक्सिमम नंबर आते हैं। आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप देखिएगा, अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर नल भी हैं तो आप यहाँ पे हाईएस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को जब बार बार ये कहता हूँ कि अगर चीज़ समझ नहीं आती तो अगर बुलाने में भी सर कहने में भी आपको शर्मिंदगी होती है कि कोई और साथ वाला देख के कहेगा कि लो जी इसको ये भी नहीं आता, तो आप जस्ट अपना हाथ खड़ा कर दें, मैं आपके पास आ जाऊंगा और आप लोगों को समझा दूंगा कि ये इस तरह से होता है। और अगर फिर भी ये करने में भी आपको शर्मिंदगी होती है तो आप लोग अपार्ट फ्रॉम द क्लास आप इससे हट के भी आके डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने अंदर ये चीज़ डिवेल्प करें कि आप भी कुछ सीखना चाहते हैं। ठीक है, जब तक आपके अंदर नहीं है कोई लगन सीखने की कोई भी सब्जेक्ट तो आप लोग कभी भी नहीं कर सकते। बच्चे एक चीज़ हमेशा जहन में रखें कि नमाज अगर बंदे ने पढ़नी हो ना तो दिल से बंदा पढ़ लेना तो उसकी जो लज्जत है ना वो वैसी नहीं होगी कि आप दूसरे को देख के या दूसरे के कहने पे मार मुर के सजदे पे सजदा उठा सजदा कर रहे होंगे, तो उसकी लज्जत नहीं होगी और उसका मुकाम भी वो नहीं होगा। सो मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में जो भी काम करें उसको इस तरह से करें चाहते ना चाहते कि वो आपके लिए मिसाल बन जाए या दूसरों के लिए एटलीस्ट मिसाल बन जाए। ठीक है, सो कोशिश करें कि मेहनत करें और जहाँ से समझ नहीं आती आप लोग ज़रूर पूछें। ठीक है, सो या थोड़ी देर वेट कर लो, थोड़ी देर वेट कर लो।